हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कच्ची हल्दी। इसकी बनाएंगे हम सब्जी। ये हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है और इसकी सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इस कच्ची हल्दी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, जो कि मार्केट में अभी मिलने लग गई है। ये सर्दियों में मिलती हैं और इसको खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी को धोकर साफ कर लिया था और इसके बाद इसके जो पतले पतले छिलके होते हैं, इसको चाकू से इस तरीके से हम छील लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी कच्ची हल्दी को छील लिया है और छिलके को साइड में रख दिया है। अब इन हल्दी को हम बारीक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। चाहे तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पीस कर सकते हो। और ये देखिए, सारी हल्दी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच घी। कच्ची हल्दी की सब्जी अक्सर राजस्थान में घी से ही बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर इसे तेल से भी बनाकर तैयार करते हैं। इस सब्जी को आप घी के साथ बनाओगे तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगी। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा और यहाँ पे लेंगे हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्ची और एक अदरक के टुकड़े को हमने दरदरा कूट लिया था। इसे डालकर थोड़ी सी देर इसे भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम एक मीडियम प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया था। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज सुनहरे ना हो जाए। तो यहाँ पे इस सब्जी के लिए हमने घी का कम इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे जितनी कच्ची हल्दी ली है उससे आधा घी ले सकते हो। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेट की हुई कच्ची हल्दी को। अब इस हल्दी को हम 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में भूनते रहेंगे। कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। ये डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। ये कच्ची हल्दी सर्दियों में ही आती है और इसे खाने से शरीर गर्म रहता है। तो बस इसको हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया था। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप फ्रोजन मटर। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम कच्ची हल्दी के साथ 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी को ये हल्दी की सब्जी पसंद नहीं होती है, लेकिन जब आप इसे घी में बनाकर तैयार करोगे, यकीन मानिए आपको ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस सब्जी को आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ये हल्दी भी सॉफ्ट हो गई है। अब लेंगे यहाँ पे हम आधा कटोरी फ्रेश दही। खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हल्दी की सब्जी का स्वाद है वो बिगड़ भी सकता है। आधा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे हम गरम मसाले का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये मसाले अच्छे से फूल जाए। अब इस मसाले को हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे भूनते रहेंगे, जिससे कि ये जो दही है वो फटे नहीं। फ्रेंड्स, इस सब्जी में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तभी तो ये सब्जी लंबे टाइम तक चलती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और लगभग तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, या फिर आप 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही इसको ढककर रख लीजिए। और ये देखिए, तेल सेपरेट हो गया है और ये हल्दी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से ये कच्ची हल्दी की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप कच्ची हल्दी की सब्जी बनाते हो या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा या फिर बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए।